मेरे पास कल मैंने एक कमांड चलाई थी, मैं चाह रहा हूँ उसकी दूसरी कमांड भी चला दूँ, ताकि मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि आपने लिनक्स के सर्वर पे एक फोल्डर शेयर हुआ हुआ है, वो आपने अपने सिस्टम में कनेक्ट करना है। अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, विंडोज का नहीं आता, लिनक्स का आता है, लिनक्स के फोल्डर पे उन्होंने एक आपको वो दिया, एड्रेस दिया कि भाई इस एड्रेस के ऊपर फोल्डर शेयर हुआ हुआ है, आपने उस एड्रेस के ऊपर फोल्डर शेयर हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, ये आपने चेक करना है ऐसे। अब मेरा क्या एड्रेस है, मैं जरा एड्रेस देख लूं। मेरा इसमें एड्रेस क्या है भाई, नहीं रहा, चलो मैं खुद डाल देता हूँ, 192.168.40.10/24 डिवाइस ENS33। सही जी। अच्छा, मुझे उन्होंने एड्रेस दिया कि आपके पास एक एड्रेस है, एक सर्वर का एड्रेस है 192.168.40.10, ये एड्रेस है, इस एड्रेस ने फोल्डर शेयर करवा रखा है। जब मैं इस एड्रेस पे जाऊंगा, इसको चेक करने का तरीका ये है कि मैंने ये कमांड लिखी, शो माउंट इंटर। जब मैंने इंटर किया तो उसने मुझे कहा कि उसने पब्लिक के नाम का एक फोल्डर है जो शेयर करवा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि ये पब्लिक के नाम का फोल्डर आपके किसी भी फोल्डर के ऊपर, जैसे मैंने एक शेयर्ड के नाम से फोल्डर बनाया यहाँ पे, और मुझे कहा जाता है कि शेयर्ड के फोल्डर के ऊपर आप मैप कर दें या माउंट कर दें, तो मैं कैसे करूँगा? मैंने कहा माउंट करो 192.168.40.10:\Public, इस सर्वर के इस फोल्डर को मेरे शेयर्ड के फोल्डर के ऊपर मैप कर दो। ये मैंने कमांड चला दी, सिंपल सी कमांड है। क्या लिखा मैंने? शो माउंट। शो माउंट से के आगे सर्वर का आईपी लिखा, उससे ये पता चलाया कि जनाब फोल्डर कौन सा है, और जब फोल्डर पता चल गया तो फिर मैंने उसको इस तरह से माउंट कर लिया। अब होगा ये कि जब भी मैं अपने शेयर के फोल्डर के अंदर कोई फाइल बनाऊंगा, फाइल वन, जब भी मैं अपने शेयर के फोल्डर के अंदर कोई भी फोल्डर बनाऊंगा, फोल्डर वन, तो वो मेरे सिस्टम पे नहीं बल्कि कहाँ जाएगा? जो कुछ भी इसमें बनेगा वो सीधा जाएगा कहाँ पे? इस वाले फोल्डर में। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, शेयर्ड के अंदर आपने जो भी फाइल और फोल्डर बनाए होंगे वो फाइल और फोल्डर कहाँ जाएंगे, आप अपनी लिनक्स की दूसरी मशीन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कौन से फोल्डर में? ls-l/public, पब्लिक के फोल्डर में पड़े होंगे। पब्लिक के फोल्डर में भी क्या रखा हुआ है? ये दो चीजें रखी हुई हैं। मैं अपने सिस्टम में गया और मैंने पब्लिक के फोल्डर में कुछ और भी डाल देना है, mkdir, अपने शेयर्ड में डालूंगा, तो चूंकि शेयर्ड जो है वो पब्लिक के फोल्डर से ही आपने देखा था अभी मैप हुआ हुआ है, शेयर्ड जो है वो पब्लिक के फोल्डर से मैप हुआ हुआ है, ये आप देखिएगा, ये देखें 192.168.40.10 पब्लिक के फोल्डर से मैपिंग हुई हुई है, किसकी? शेयर्ड की। तो आप अपने शेयर्ड के फोल्डर में अगर कोई भी डायरेक्टरी बनाते हैं टेस्ट के नाम से और कोई भी फाइल बनाते हैं टेस्टिंग के नाम से, तो वो कहाँ पे जाके सेव होगी? वो आपके शेयर्ड फोल्डर पे जाके सेव हो जाएगी। ये अभी आप यहाँ देख लें, चार फाइलें होंगे। दो कमांड्स हैं सिर्फ जो आपको याद रखनी है, वो दो कमांड्स कौन सी हैं? वो दो कमांड्स ये हैं हिस्ट्री, वो दो कमांड्स ये हैं शो माउंट, और आपने जिस डायरेक्टरी पे उन्होंने कहा कि इस डायरेक्टरी पे माउंट कर लें, आपने उस डायरेक्टरी पे उसके वो माउंट कर लिया। डायरेक्टरी हो सकता है पहले से बनी हुई भी हो। और इसमें यूजर नेम पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन नहीं होती,
और शो माउंट की कमांड की जगह पे, शो माउंट की कमांड की जगह पे अगर विंडोज का शेयर होगा तो कमांड ये वाली इस्तेमाल होगी, ये वाली कमांड अगर विंडोज का शेयर होगा तो शो माउंट की जगह पे। और माउंट की जो कमांड इस्तेमाल होगी वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, उसमें स्लैश स्लैश लग जाएंगे चूंकि विंडोज की मशीन है, उसमें कॉलन लग रहा है, उसमें कॉलन नहीं लग रहा। फोल्डर का नाम क्या है, कल हमने बनाया था ना एक फोल्डर, कोई भी नाम दे दें आप, मैंने उसको ट्रेनिंग का नाम दे दिया। और अपने किस फोल्डर पे शेयर करना है उसको MNT उसका नाम दे दिया, माइनस ओ यूजर नेम इज इक्वल टू और पासवर्ड इज इक्वल टू जो भी पासवर्ड है आपका, 1 2 3 4 5 6 ये आपको लिखना है। शो माउंट की जगह पे अगर NFS का शेयर है, लिनक्स का सर्वर पे शेयर फोल्डर है तो शो माउंट, अगर विंडोज के फोल्डर का शेयर फोल्डर है तो असेंबली क्लाइंट, लिनक्स के शेयर, लिनक्स का फोल्डर शेयर फोल्डर एक्सेस करना है तो 192.168 के दरमियान बाद कॉलन लगेगा और फोल्डर का नाम आएगा। विंडोज का करना है तो पहले बैक स्लैश लगेगा, कॉलन नहीं लगेगा और डायरेक्ट फोल्डर का नाम आएगा। और विंडोज में यूजर नेम और पासवर्ड भी देना जरूरी होता है, लिनक्स के अंदर यूजर नेम पासवर्ड से काम नहीं चलता बल्कि नेटवर्क से चलता है। आपने जो नेटवर्क डिफाइन कर दिया फिर सिर्फ उसी नेटवर्क के लोग, जिस IP को डिफाइन कर दिया सिर्फ उस IP के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। IP बेस्ड नेटवर्क बेस्ड रिस्ट्रिक्शन लगती है लिनक्स के सर्वर में, और विंडोज के सर्वर में यूजर नेम और पासवर्ड भी आपको देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, विंडोज के सिस्टम में एक मशीन एक फोल्डर है और उसका नाम मेरे पास यहाँ पर है, क्या नाम है, ट्रेनिंग्स, ट्रेनिंग्स एक फोल्डर, बैठ जाएं, ट्रेनिंग्स के नाम का फोल्डर है ट्रेनिंग्स। अगर ये शेयर फोल्डर होगा तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा, ये देखें कमांड, पासवर्ड पूछा, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, शेयर हो गया ये आगे, अगर मेरे पास शेयर हुआ हुआ होगा यहां आ जाएगा। और फिर मेरी कमांड क्या होगी, कमांड देख लें, कमांड एज इट इज रहेगी, कमांड में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ पासवर्ड जो है वो मैं डाल दूंगा जो मेरा पासवर्ड है। क्या मैसेज दिया उसने, फोल्डर नहीं है, फोल्डर का नाम सही नहीं लिखा हुआ, देख के बताना, ये शायद बीच वाला एन नहीं है, स्पेलिंग गलत है ना। अब फोल्डर का नाम सही लिखा हुआ है, शेयर फोल्डर और उसका नाम हो गया DF-HT, लिनक्स के अंदर और विंडोज के अंदर फर्क देख लीजिएगा। लिख रहे थे कुछ, लिख लो, रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ।